नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। और दोस्तों, जिंदगी का मकसद ऐसा ही होना चाहिए कि कुछ ऐसा काम कर जाएं कि कल आप खुद को उस काम के लिए धन्यवाद कह सके। लेकिन वायदा बाजार की एबीसीडी में एफएनओ की पाठशाला में शुक्रिया अदा हमें जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी का करना चाहिए, क्योंकि एफएनओ की क्लासेस वैसे तो पढ़ने से तो कभी समझ में नहीं आया एफएनओ, लेकिन अब जब ये सुन रहे हैं, आप आसानी से बता रहे हैं, तो काफी हद तक हम समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, और शायद कभी हम ट्रेड करने के बारे में इसमें आप आगे सोच सकते हैं। मैं सोचना नहीं तो फायदा क्या पढ़ाने का जब अगर आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल नहीं करें, खाली ज्ञान लेके क्या करेंगे। वही बात है। तो आउट ऑफ द मनी पिछली क्लास में हमने वो कॉन्सेप्ट क्या है ये समझा, फायदे क्या है, लेकिन आउट ऑफ द मनी खरीदना या बेचना कब चाहिए ये एक है। दो चीजें देखिए, पहले खरीदने की बात करते हैं जो आमतौर पर लोगों को सोचते हैं। आपको कम प्रीमियम देनी है, कम पैसा लगाना है, ज्यादा पैसा कमाना है, और ये सोच के लगाना है कि आया ज्यादा तो ठीक, नहीं तो जो गया जो गया, ठीक है, कम ही गया। हाँ, ये सोचना है। मतलब एक का जीरो हो जाए या दो हो जाए या चार हो जाए। हाँ, ऐसा है, ठीक है। हाँ, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं 100 रुपए लगाए और 120 आ गए तो भी हम खुश है, 20% रिटर्न। लेकिन बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, 100 रुपए लगाए, 100 का 200 हो जाए या जीरो हो जाए चलेगा मुझे, या तो 200 हो जाए या जीरो हो जाए। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जनरली आमतौर पर इसीलिए रिटेल ट्रेडर करते हैं, और वो थोड़े ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे या नीचे की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन खरीदेंगे, ताकि प्रीमियम बहुत कम देनी पड़े। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही कि इसमें प्रीमियम सबसे कम होती है। जितना दूर का आप खरीदोगे ऑप्शन, उतनी कम प्रीमियम। जैसे सपोज 11,000 निफ्टी चल रहा है, 11,500 का कॉल ऑप्शन खरीदने जाओगे तो आपको 5-10 रुपये में मिल जाएगा, और 10,500 का पुट ऑप्शन खरीदने जाओगे तो 5-10 रुपये में मिल जाएगा। तो अब आपको रिस्क क्या है, 5 या 10 रुपए जितने आप प्रीमियम दे रहे हैं। मुझे लगता है आप जिस तरह से बोल रहे हैं, कई सारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे अभी खरीद ही लेते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। तो आपके रिस्क 5-10 रुपए, लेकिन अब 11,000 से 11,500 निफ्टी एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, इस सीरीज में होगा कि नहीं होगा, सीरीज में नहीं होता, सीरीज के अंत में ऑप्शन जीरो खत्म हो ही जाता है ना भाई, तो इसी सीरीज में होना जरूरी। तो जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बायर पैसा तभी बनाते हैं जब बड़ा मूव आए उनके फेवर में, नहीं तो जीरो। अब आप ये सोचेंगे तो फिर बेचता कौन है। हाँ, और ये अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं सारे। हाँ, जो रिटेलर्स हैं आउट ऑफ द मनी में। नहीं नहीं, अग्रेसिव नहीं है, ढीले हैं एकदम सुस्त, इनको अच्छा, कुछ नहीं आता, पर रिस्क ले सकते हैं। हाँ, नहीं, वो रिस्क क्या थोड़ा है? बहुत ये इससे भी ज्यादा मैं होता हूँ, अंदाज से खेलते हैं कि यार मुझे पता ठीक है इतने पैसे लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो ये सोच के आते कि ये मेरा जीरो होगा। ओके, अब आप ये सोचेंगे तो फिर बेचता कौन है। जी, बेचने वाले बहुत है भाई। अगर मुझे लगता है कि अभी 11,000 चल रहा है, इस सीरीज में 11,500 के पार निफ्टी जाएगा ही नहीं, तो मुझे 10 रुपए भी मिल रहे हैं, 15 भी मिल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं बेचूंगा। अच्छा, फर्ज करें मेरा गलत हो गया बेचना, और बेचने में मिल कितने रहे आपको, 15, रिस्क अनलिमिटेड, 10,500 से 11,500 निफ्टी आ भी जाता है, तो फिर जिसने ऑप्शन बेचा है मंदी की पोजीशन में है, उसके पास बहुत सारे तरीके हैं हेज करने के। एक फ्यूचर खरीद लेगा जाके, फिर भाव बढ़ता है बढ़े, तो जितना भाव बढ़ेगा फ्यूचर बढ़ेगा, अगर ऑप्शन में रिस्क, तो वो तरीके बहुत हैं, वो हम आगे आपको समझाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर इस तरह से ट्रेड होता है। सो आउट ऑफ द मनी पुट या कॉल ऑप्शन, वो ट्रेडर जिन्हें कम पैसा लगाना है और चांस लेना है, वो लोग ज्यादा करते हैं। थोड़ा बहुत रिस्क भी चल जाएगा। रिस्क, हाँ, आपको लेकिन पता है रिस्क कम है। हाँ, और आ गया तो बड़ा पैसा आएगा। लेकिन इसमें फायदे नुकसान फिर एक और अच्छे से आप बता दीजिए। फायदे नुकसान तो होंगे ही, अगर फायदा ही, कम रिस्क में ज्यादा मुनाफा बन सकता है आपका, अगर आपका ट्रेड सही पड़ गया तो। और नुकसान यही है जीरो, कि जीरो हो जाएगा, अगर पूरी सीरीज में आपके फेवर में नहीं आया ट्रेड, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पिछली क्लास में आपने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, बड़े बड़े शब्द यूज किए थे। Correct. अब वो शब्द के मायने बता दीजिए। शब्द बड़े आसानी से समझा दूंगा, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इतना कॉम्प्लिकेट होने की भी जरूरत नहीं। देखिए, प्रीमियम जो आप ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, चाहे पुट ऑप्शन हो चाहे कॉल ऑप्शन हो, प्रीमियम ट्रेड होती है। करेक्ट जी। स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम, हर स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम अलग होती है। वो प्रीमियम कितनी होनी चाहिए, कैसे कैलकुलेट होती है, उसके दो तरीके हैं। प्रीमियम दो तरीकों से मिलकर बनती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी टाइम वैल्यू। ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू और ऑप्शन की टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या है, ब्याज एक तरह से। इंट्रिंसिक वैल्यू ये है कि उस ऑप्शन में अभी जब आप ट्रेड कर रहे हो तो कितनी वैल्यू ऑलरेडी है। ठीक है, समझ लीजिए,
कोई भी ऑप्शन आपके लिए ट्रेड करते ही प्रॉफिट में कब होता है? जब वो इन द मनी हो. हाँ करेक्ट. इन द मनी ऑप्शन आप क्यों 11,000 निफ्टी चल रहा है, आपने 10,900 का कॉल ऑप्शन खरीदा तो इन द मनी हो गए. तो 10,900 का कॉल ऑप्शन जो आप खरीद रहे हैं, 11,000 निफ्टी चल रहा है, तो इसका जो डिफरेंस है, जो स्ट्राइक प्राइस का आप खरीद रहे हैं, वो आपके लिए हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन हमेशा आप इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा देंगे प्रीमियम, तो उससे ज्यादा जो प्रीमियम दे रहे हैं वो टाइम वैल्यू होती है, जो कि समय के हिसाब से कैलकुलेट, जो समय के हिसाब से. तो समय के हिसाब से आपने देखा ना ऑप्शन में, जैसे जैसे आप सीरीज के नजदीक जाते हैं अंत में प्रीमियम घटते जाती है, तो टाइम वैल्यू घटती जाएगी. तो इंट्रिंसिक वैल्यू वो प्राइस है जिस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आप खरीद रहे हैं और जो स्पॉट प्राइस अभी चल रही है. 11,000 आपकी निफ्टी की प्राइस चल रही है, आप 10,900 का ऑप्शन खरीद रहे हैं कॉल ऑप्शन, तो 100 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू हो गई. समझिए आपने प्रीमियम दिए 140 रुपये के, तो 40 रुपये आपके टाइम वैल्यू हो गए. तो जो भी इन द मनी ऑप्शन है उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू हमेशा होगी. एट द मनी ऑप्शन यानी कि 11,000 चल रहा है और 11,000 का आप ऑप्शन खरीद रहे हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू 0 है, उसमें खाली टाइम वैल्यू होती है. आउट ऑफ द मनी ऑप्शन 11,000 निफ्टी चल रहा है, आप जाहिर सी बात है 11,100, 11,200, 11,500 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, तो वहाँ भी इंट्रेंसिक वैल्यू 0 हो जाती है. वहाँ आपको सिर्फ टाइम वैल्यू देनी है. सिर्फ इन द मनी ऑप्शन ऐसे जहाँ आपको इंट्रेंसिक वैल्यू भी देनी होती है, टाइम वैल्यू भी देनी होती है, और इसीलिए इन ऑप्शन की प्रीमियम सबसे ज़्यादा होती है, मैंने बताया था. करेक्ट. अब थोड़ी सी प्रीमियम कम हो जाएगी जब आप एट द मनी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से 0 हो जाएगी, लेकिन टाइम वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा रहेगी. क्यों? क्योंकि आज की प्राइस वाला ऑप्शन आप खरीद रहे हो उसके नजदीक ही. हाँ, तो उसमें थोड़ी टाइम वैल्यू ज्यादा हो जाती है. लेकिन ये वाजिब सवाल था जो मेरे दिमाग में आया नहीं कि प्रीमियम हर जगह प्रीमियम ही भर रही हूँ, लेकिन प्रीमियम कैलकुलेट कैसे होता है? प्रीमियम बिल्कुल अलग. तो इस हिसाब से ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ. चलिए पहले कॉल ऑप्शन, क्योंकि कॉल ऑप्शन खरीदना ये सबसे आसान काम जो लोगों को समझ में आता है. ठीक है, 11,000 निफ्टी चल रही है, 10,900 का आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं. फर्ज करें आपने 125 रुपये की प्रीमियम में खरीदा, ठीक है, उसमें से 100 रुपये तो आपके हो गए इंट्रेंसिक वैल्यू के, 25 रुपये हो गए टाइम वैल्यू. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 11,000 की निफ्टी चल रही है, 11,000 का ही आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, उसकी प्रीमियम दी आपने 60 रुपये, ये 60 के 60 रुपये टाइम वैल्यू है. इसमें एट द मनी ऑप्शन है तो इंट्रेंसिक वैल्यू होगी 0. 11,100 का ऑप्शन खरीदा जो इन द मनी ऑप्शन, राइट, सॉरी आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है क्योंकि 11,100 ऊपर का है. तो 11,100 का ऑप्शन आप खरीद रहे हो, सिर्फ 30 रुपये की प्रीमियम लगी, तो 30 रुपये की प्रीमियम पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है. अच्छा, तो कुल मिला के है कि इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होता है, राइट, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में खाली टाइम वैल्यू. टाइम वैल्यू और ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा. हाँ, प्रीमियम देना पड़ेगा खाली इसलिए ताकि आपको पता चले कि किसमें प्रीमियम ज्यादा होती है, किसमें प्रीमियम कम होती है. इन द मनी ऑप्शन में प्रीमियम सबसे ज्यादा होगी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में प्रीमियम सबसे कम होगी, चाहे वो पुट हो चाहे कॉल हो, बस सिंपल. ठीक है, ATM, ITM और OTM तीनों बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने आज समझे, इन क्लासेस में समझे हैं. आगे कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, ट्रेडिंग करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ट्रेडिंग करने के लिए हमें आगे बढ़ना है. आप बने रहे हमारे साथ. नमस्कार.